हेलो गाइस मैं हूं आपका दोस्त सभ्या सचिन एंड आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्या सचिन चैनल तो फाइनली गाइस आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये होने वाला है यकीन नीट 2.0 2025 बैच पर क्योंकि गाइस मैं आपको है जब तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था डार्क साइड ऑनलाइन कोचिंग का बट उसमें मैंने रिकमेंड भी किया था कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओ या नहीं तो आप एफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लाइब्रेरी जाओ बट काफ़ी लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग इवन लाइब्रेरी भी एफोर्ड नहीं कर सकते हैं और काफ़ी लोग के घर से काफ़ी दूर है तो फिर आपको ऑनलाइन कोचिंग पर ही डिपेंड होना होगा तो ऑनलाइन कोचिंग में अगर बात आती है तो बेस्ट तो भाई यकीन वैसे कोई है नहीं क्योंकि सबसे हाई सक्सेस रेट भी है मतलब सलेक्शन भी ज़्यादा होता है एंड साथ ही साथ काफ़ी रिलायबल है क्योंकि इसमें कोई बीच में आपको छोड़कर भागने वाला नहीं है और काफी अफोर्डेबल भी है तो सब कुछ में बेस्ट है तो इस, इसलिए इस वीडियो में आपको मैं यकीन नीट टू बैच का रिव्यू देने वाला हूँ बेसिकली सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या कब स्टार्ट होगा एंड कब से मतलब कि कौन कौन, कौन से टाइम पे क्लास होगा ये भी मैं बताऊंगा एंड साथ साथ ही साथ, तो ये भी बता दूंगा कि मेरे से क्या गलती हुई थी लाइक like, मैं जब ड्रॉप लिया था दो साल मैंने यकीन से पढ़ाई की एक एक बार 300 एक बार आया आया तो मेरे तरीके से मैं जो गलती किया था वो आप ना करें तो उसके लिए मैं एक पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि बेस्ट सेट ऑफ फैकल्टी क्या है क्योंकि बहुत सारे बैच का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जब आप यकीन बैच लोगे तो इसलिए कौन सा आपको बैच लेना चाहिए जैसे कि यकीन नीट टू के साथ एक बैच आया जिसमें कि आपको ज्यादा

बीस मई से ट्वेंटी ट्वेंटी फोर से और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये केवल लेजेंड वाले के लिए लाइक लेजेंड टीम है एक अल्फा टीम है दो टीम आपको मतलब सेट ऑफ फैकल्टी पढ़ाएगी एक ही मतलब कि टॉपिक आपको दो सेट ऑफ फैकल्टी पढ़ाएगी मतलब कि टोटल ट्वेल्व टीचर्स होंगे और सिक्स टीचर एक टीम में होंगे सिक्स टीचर एक टीम में होंगे जैसे कि बोटनी जुलॉजी एंड फिर फिजिकल केमिस्ट्री इस तरीके से आपको अलग अलग टीचर पढ़ाते हुए दिखेंगे तो फिजिक्स फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बोटनी जुलॉजी इस तरीके से कोर्स कंप्लीट होने का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है फिफ्ट थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव को मतलब तो कि लगभग वन एंड हाफ मंथ फोर्टी फाइव डेज पहले आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा कोर्स तो इनफ रिवीजन का टाइम भी आपको मिल जाएगा अब अगर मैं बता चाहता हूं इसके अंदर आपको ऑनलाइन लेक्चर देखने को मिलेगा एंड साथ डी पी भी मिलेगा एंड साथ साथ टेस्ट फॉर्मेट में मिलेगा एंड विथ सोल्यूशन मिलेगा एंड ऑफलाइन काउंसिलिंग एट विद्यापीठ सेंटर ये सब भाई दिखाने के हैं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है तो इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं मतलब कि जो मेरा निगेटिव पॉइंट है इस बैच का वो भी मैं आपको बताऊंगा तो इसलिए निश्चिंत रहना ऐसा नहीं कि ये मैं बता रहा हूं कि आपको ये कोई स्पॉन्सर्ड पार्ट

जरूरत है नहीं आप अच्छे से जानते होंगे इनको एक्सपीरियंस है एट इयर्स का एंड बात आती है अगर बोटनी की तो बोटनी पढ़ाएंगे रुपेश चौधरी सर इनको एक्सपीरियंस है ट्वेल्व ईयर का इन्हें भी आप जानते होंगे एंड डॉक्टर नोमेश गोपलानी सर ये बेस्ट है बिकॉज इनसे ही मैंने पिछले साल पढ़ा था तो इनको एक्सपीरियंस है ट्वेल्व ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो अमित महाजन सर पढ़ाते हुए दिखेंगे जिनको का एक्सपीरियंस है बीस साल का मतलब कि हमारे एज के बराबर और पंकज सिजारिया सर आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिनको के एक्सपीरियंस है फोर्टीन ईयर्स का एंड मोहित दादाइज सर इनको एक्सपीरियंस है टेन ईयर का ये आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए दिखेंगे तो ये कुछ है लेजेंड टीम अब बात आती है अल्फा टीम की तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं अल्फा टीम जो है थर्ड जून से स्टार्ट करेगी पढ़ाना मतलब कि यकीन नीट टू बैच में तो आपको किस तरीके सेलेक्ट करना है टीचर वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर अल्फा टीम की बात आती तो ये आपको पढ़ाते हुए दिखेंगे अभिषेक वर्मा सर जो कि फिजिक्स पढ़ाएंगे आपको बोटनी की बात आती है तो वो डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल मैम पढ़ाते हुए दिखेगी एंड uh, जूलॉजी की बात आती है तो वो सुजीत त्रिपाठी सर पढ़ाते हुए दिखेंगे एंड फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है तो वो सुधांशु कुमार सर पढ़ाते हुए दिखेंगे एंड योगेश जैन सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हितेश चोपड़ा सर तो ये कुछ टीचर का मैम ने आपको बता दिया एंड ये सब कुछ आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा डिटेल में सिलेबस मतलब जीरो से लेकर ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर से पढ़ाया जाता है ये सब कुछ बेस्ट है बट हाँ कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स दे दिए जाते हैं जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोज़ में जो कि कंप्लीट करना एंड ऑन एन एवरेज बच्चे के लिए दिक्कत हो जाती है और लाइक कभी कैंसिल कर देंगे क्लास एंड जब फेस्टिवल होगा उस समय आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे तीन तीन घंटे का तो ये सारी प्रॉब्लम होती है तो इसके लिए आप तैयार रहना इतना ईजी होने वाला नहीं है यकीन वैसे प्रिपेयर करना ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ अब बात आती है कि दो तरीके का आपको प्लान देखने को मिल रहा है एक यकीन नीट मिल रहा है जो कि फोर्टी सिक्स हंड्रेड मिल रहा है और एक है यकीन नीट इन्फिनिटी तो आपको क्या इन्फिनिटी लेना चाहिए तो इसमें क्या अंतर है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें मैं कंपेरिजन लाइक करके बता रहा हूँ जैसे कि आपको यकीन नीट में देखने को मिलेगा लेक्चर एंड नोट्स तो देखने मिलेगा डीपीपी एंड टेस्ट भी देखने को मिलेगा जो कि दोनों कॉमन है, अब अलग क्या है वो मैं आपको हूं। जैसे कि like तो खजाना मतलब तो का लेक्चर आपको अलग से लेना पड़ता था वो नहीं लेना पड़ेगा जब आप यकीन इन्फिनिटी ले साथ इन्फाइट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो लेकिन मैं आपको सही बताऊँ ना तो इन्फनाइट क्वेश्चन प्रैक्टिस को जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सिंपल बैच में इतना डीपीपी एंड टेस्ट एंड लेक्चर में क्वेश्चन करा दिए जाएंगे जो कि आप खुद वही नहीं कर पाओगे और उसी से क्वेश्चन बेसिकली आते हैं नीट में तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा मेरे हिसाब से टाइम ही नहीं मिलेगा एज अ ड्रॉपर तो ये सब बस मतलब कि सेलिंग का है तरीका जो कि ये लोग नया निकाले हैं जैसे कि और क्या क्या देखने को मिलेगा वही भी बताता हूँ एक है एन पिटारा जो कि लाइन बाय लाइन जो बायो के क्वेश्चन है यानी तो फिजिक्स केमिस्ट्री के वो पिक करके दिए हुए होंगे तो ये एक देखने को मिलेगा इन्फेनाइट मेंटरशिप मिलेगा जो कि मेरे हिसाब से बेकार है बिकॉज ये मेंटरशिप कोई मतलब का नहीं होता है एक एक ग्रुप में पचास पचास बच्चे होते हैं या बीस बीस बच्चे होते हैं जो कि एक बंदा भाई गाइड नहीं कर सकता है तो इसलिए मेरे हिसाब से ये भी कोई काम का नहीं है और फ्री एक्सेस टू ऑल अपकमिंग नीट टेस्ट और फ्री एक्सेस टू अपकमिंग वर्जन मतलब कि इवन क्रैश कोर्स तक भी आपको देखने को मिलेगा पॉइंट तो नीट मिलेगा यकीन बैच बट आपको क्रैश कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा अगर आप वाला लेते हो तो लेकिन मेरे हिसाब से ये आपको मत लो बिकॉज से आपको क्या होगा कि फिर ऑप्शन मिल जाएगा आपको टू पॉइंट तो मिल ही रहा है क्रैश कोर्स ये सब कुछ मिलता रहेगा और आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि हम उस समय पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब थ्री पॉइंट लॉन्च होगा फोर पॉइंट ओ तो थोड़ा सा बैकलॉग आपको टू पॉइंट में बनेगा आपके दिमाग में आ जाएगा कि हम थ्री पॉइंट से स्टार्ट करेंगे फिर फोर पॉइंट से स्टार्ट करेंगे इस तरीके से आपका पूरा कब पूरा साल चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि सिंपल बैच लो जिससे कि आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं रहेगा और मैं आपको यह भी क्लियर कर देना चाहता हूँ जब आप यकीन यकी टू पॉइंट भी लोगे तो आपको पिछले साल का जो भी बैच है जैसे कि 2024 का .0, .0, .0, yes, तक ये आपको चारों बैच फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा एंड इस साल का भी जो 1 हुआ है छह मतलब छह बैच देखने को मिलेंगे ऑलरेडी और आपको आगे वाले बैच का भाई अगर जरूरत नहीं है तो आप मत लेना और जब ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा आप प्रो करना स्टार्ट कर दोगे मतलब बट एक दो मैंने बाद तो मतलब पॉइंट तो प्रैक्टिस का उतना टाइम नहीं बचता है अगर आप यही कर लेते हो ना तो यही बहुत बड़ी बात होती है एज एवरेज स्टूडेंट एज एवरेज नीट एस्पिरेंट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं अगर आप बहुत ज्यादा मतलब ब्रिलियंट हो तो अगर आपके पास बहुत टाइम बचता है क्वेश्चन सॉल्व करने का तो आप फिर देख सकते हो लेकिन वो आप कुछ बुक ले लेना एक्स्ट्रा वो ज़्यादा सही रहेगा इन प्रैक्टिस वाला ये मत लेना बिकॉज ऑनलाइन में आप जब प्रैक्टिस भी करोगे क्वेश्चन तो मे भी आप हो सकते हो कि डेविएट हो जाओ मे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो यही मैं आपको बता रहा हूँ तो यही कुछ आपको देखने को मिलता है एंड मैंने बता ही दिया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है शेड्यूल की बात आती है तो एट से आपका क्लास स्टार्ट होगा और थ्री पी तक चलेगा मतलब कि शाम के तीन बजे तक चलेगा 8:45 से 10:45 तक आपका फ़िज़िक्स चलेगा फिर एलेवन ओ क्लाक से 12:45 तक जो है आपका बोटनी या जुलॉजी चलेगा एंड फिर 1:15 से लेकर 3:15 तक या थ्री ओ क्लाक तक इस तरीके से आपका केमिस्ट्री चलेगा तो ये ये कुछ शेड्यूल होने वाला है लेजेंड का और अल्फा का मुझे नहीं पता यार उतना याद नहीं है तो यही कुछ मैंने आपको बता दिए तो यही कुछ डिटेल मैंने आपको यकीन नीट टू पॉइंट का बता दिया एंड आपको मैंने बता दिया कि आपको कौन सा लेना चाहिए मतलब कि इन्फिटी वाला बैच लेना चाहिए या सिंपल यकीन नीट टू लेना चाहिए मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि किन्हें क्या लेना चाहिए एंड सारी डिटेल मैंने बता है टीचर्स का भी और अगर बात आती है कि आपको किससे पढ़ना चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जिस जिन जिन टीचर्स से पढ़ा है और क्या क्या गलती हुई है ये दो वीडियो आपको अगले दो दिन में देखने को मिल जाएंगे तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस बैच का जो प्राइस है वो फोटी सिक्स हंड्रेड है और अगर आपको कूपन कोड लगाना है तो आप मेरा कूपन कोड लगाकर एक बार चेक कर लेना बिकॉज ये स्पॉन्सरशि वीडियो नहीं है मैं पहले जब स्पॉन्सर बनाता था तो उसी समय ये कूपन कोड मैंने बनवाया था तो ऐसे भी वन फिफ्टी व ट्राई करके देखना अगर लग रहा होगा तो आपको डिस्काउंट कुछ मिल जाएगा वन हंड्रेड रुपीज़ या फिफ्टी रुपीज़ जो भी मिल जाए आपको डिस्काउंट या नहीं तो आप अंशु लगा कर देखना एक मेरा फ्रेंड है अंशु यादव मे बी आप जानते होंगे यूट्यूबर उस उसका भी आप कोड लगा कर देख सकते हो ए एन एस एच यू ये कूपन कोड लगाने से मे बी आपको पक्का डिस्काउंट मिल ही जाएगा क्योंकि वो शायद अभी है उनके साथ मतलब कि कोलाब्रेशन में है मे बी मैंने तो छोड़ दिया है पीडब्ल्यू से मतलब कोलाबरेट वीडियो बनाना तो इसलिए मे बी मेरा आपको वर्क करता दिखे या ना दिखे पहले मेरा ट्राई करके देखना अगर ना हो तो ए एन एस एच यू जो है कैपिटल में लिखना आपको डिस्काउंट जरूर मिल ही जाएगा तो यही कुछ था वीडियो होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ लाइक करना और कर ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत